नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लौकी है और जो तरबूज है और जो आपने देखा होगा खीरा है, ककड़ी है, इस समय सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने को मिल रही है कि वो पत्ती झुलसने वाली दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। कि इस समय जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कि जो होता है वो दिन का टेम्परेचर अधिक होता है और रात का टेम्परेचर लो होने के कारण यह जो गंभीर समस्या है आप देख रहे हैं, यह जो है तुरई का पौधा है और तुरई में यह देख सकते हैं आप, ये किस तरह की ये पत्तियां हैं वो झुलस रही हैं और पौधे पर आप देख सकते हैं इस तरीके के ये स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। यह जो स्पॉट दिखाई दें तो इसमें गंभीर समस्या में क्या होता है कि जो दिन का टेम्परेचर अधिक होने के कारण और रात का टेम्परेचर कम होने के कारण ये जो फंगस वाली दिक्कत पत्ती पर ये है जो देख रहे हैं स्पॉट और पीले पीले धब्बे वाली दिक्कत बहुत ज़्यादा समस्या दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये गंभीर समस्या, जो पत्ता झुलसने वाली गंभीर समस्या, पौधा जो लौकी का है वो पीला पड़ रहा है उसकी गंभीर समस्या को, और पौधा जो है लौकी का है वो पौधा गल रहा है या बेल गल रही है, तो ये गंभीर समस्या को किस दवा से कंट्रोल करेंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान मित्रों मिल सके। किसान भाइयों, अगर हम बात करें, अगर हमारी जो तरबूज की फसल है, लौकी की फसल है, खीरा की फसल है और आपकी अगर ककड़ी की फसल है, किसी भी फसल के यानी कुफनीड्स वाली जो फसलें हैं उनमें जो जो देखने को वाली ज़्यादा दिक्कत मिल रही है, जो पत्ता है वो साइड में जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं इस तरह का पत्ता है वो पीला पड़ रहा है और झुलसला है, इस गंभीर समस्या के लिए आपको क्या करना है। अगर ऐसी गंभीर समस्या आपके खेत में दिखाई दे तो सुपर एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी की एक दवा आती है सुपर रक्षक एल, जो आपको इसकी इमेज साइड में देख रहे हैं, इससे आप 30 ml पर टंकी के हिसाब से जो 15 लीटर वाली टंकी है उसमें मिलाकर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं। साथ में एक एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, एंटीबायोटिक में आप वैलिडामाइसिन 3% एल नाम का ये एंटीबायोटिक ले सकते हैं। आप दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो हमारे जो लौकी है और हमारा जो तोरई है और खीरा है, ककड़ी है आदि जो आपकी कुफनीड्स वाली फसलें हैं जिनमें यह जो गलन वाली दिक्कत दिखाई दे रही है, जो पीला पत्ता दिखाई दे रहा है और पत्तियां झुलस रही हैं, ये गंभीर समस्या आपकी खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, तोरई है, इन कुफनीड्स वाली फसलों में गंभीर जो समस्या वो दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, विशेष ध्यान रखें कि आपको जो मैंने जो दवा बताई सुपर रक्षक एल 30 ml पर टंकी के हिसाब से जो 15 लीटर वाली टंकी है और साथ में जो एंटीबायोटिक है वैलिडामाइसिन 3% एल नाम का, उससे 25 से 30 ml पर टंकी के हिसाब से दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर स्प्रे कर देते हैं तो ये गंभीर समस्या है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपका तना भी गला है, अगर जहाँ कहीं तना भी आपका गलता हुआ दिखाई दे रहा है, पौधा सूखता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह भी गंभीर समस्या आपकी इन दवाओं से कंट्रोल हो जाएगी। तो किसान भाइयों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।